ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। बलिया में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। आरोपी धीरेंद्र सिंह के समर्थन में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुलकर सामने आ गए। सुरेंद्र सिंह की इस हरकत से पार्टी आलाकमान नाराज हो गई और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। लेकिन आज बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी नेतृत्व से चेतावनी मिलने के बाद अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि विपत्ति काल में अपने सहयोगी, संबंधी, भाई और कार्यकर्ताओं को छोड़ना महापाप होता है, इसलिए हमने अपने धर्म का निर्वहन किया है और करता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़े, वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। चेतावनी मिलने के बाद भी सुरेंद्र सिंह का ऐसा पोस्ट लिखा जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उन्होंने बागी तेवर अख्तियार करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से वो पार्टी की चेतावनी को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में पार्टी उनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। आपको बता दें कि विधायक महोदय धीरेंद्र सिंह के परिवार वालों के बीच जाकर रोए भी थे, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसके बाद से ही बीजेपी विधायक पर आरोपी का साथ देने का आरोप लग रहा है। बताते चले कि बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया था। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे तो चढ़ गया, लेकिन इसके लिए पुलिस को बलिया से लखनऊ तक काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह ने कोटे की दुकान के विवाद में दुर्जनपुर में गोलियां बरसाई थी। धीरेंद्र सिंह गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन उसका खौफ कम नहीं हुआ है। मृतक का परिवार तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिससे गोलीबाज को ताकत मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।